हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। हाय एवरीवन, आज बेटा हम कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके फॉर्म में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी अभी प्लस पे खत्म किया एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन। इसका एनसीईआरटी रीडिंग भी हो चुका है एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं, एंड सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभार उठ के आपके नीट में भी आ जाते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम सेल साइकिल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग टुडे इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव टू रिवाइज द होल चैप्टर। कूल, ऑलराइट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन नीट वोया चैनल ऑफ अन अकेडमी। अन अकेडमी आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट यूट्यूब। तो वहां पे लाइव क्लासेस है जहाँ पे आप बेटर इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर को, ज्यादा टीचर आपको जान सकते हैं, आप टीचर्स को जान सकते हो। इट्स मोर ऑफ अ यू नो इंटरेक्टिव सेशन, और इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास में पोल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आप एंगेज रहते हो क्लास में, उसमें लीडर बोर्ड बनता है, टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है क्लास में, आपका टेस्ट सीरीज आया, क्वेश्चंस किए आपने, उसका अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस, ये सब प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी। एंड द बेस्ट थिंग इज फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस भी, और कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर भी आप क्लासेस ले रहे हो, वेदर इट इज प्लस और आइकॉनिक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, एंड वो भी लाइव डाउट सेशंस। ऐसा नहीं है कि आपने भेजे कभी डाउट, कभी कुछ आ रहा है, आप तुरंत पूछो, तुरंत आंसर एंड यू गो। ठीक है, सो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, डाउट क्लियर हो रहा है, दोनों चीजें जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी। डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। वहां पहुंचोगे, प्लस पे जाओ, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन। प्लस पे आई एम टेकिंग सेशंस एवरी डे एट 2 PM। हमने यहाँ पर 11th क्लास और 2021 को टारगेट करते हुए 11th के टॉपिक्स बॉटनी के स्टार्ट कर दिए हैं कवर कराना। सो मेक श्योर वो मिस ना हो जाए आपके, तो ये पार्ट तो आज ही करो कंप्लीटली सब्सक्राइब। स्पेशल क्लासेस में छोटा सा चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट वेर यू फाइंड फ्री क्लासेस, तो इसके बारे में भी रेगुलरली मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कौन से क्लासेस किधर फ्री हो रहे हैं एंड व्हाट यू कैन कैच एब्सोल्युटली फ्री। ऑलराइट, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे बेटा तो ये सारे ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज आते हैं। ठीक है, 1 month to 24 month, एक्चुअली 12 months to 24 month इज एक्चुअली थोड़ा ऑप्टिमम ड्यूरेशन टू प्रिपेयर फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू रिक्वायर इतना ड्यूरेशन, तो जो ये 12th क्लास वाले बच्चों के पास होता है और ड्रॉपर बच्चों के पास होता है, दिस इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। ये ड्यूरेशन एज सच आपको सफिशियंट नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, क्रैश कोर्स जैसा हो जाएगा, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू यू नो गो फॉर दिस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप कोमल लाइव कोड लगा सकते हो बेटा। ठीक है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाना पसंद आता है। द 10% ऑफ इज मेजरली एप्लीकेबल टू ये बड़े कोर्सेस, तो जितना ड्यूरेशन के लिए ज्यादा आप कोर्स लेते हो आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, इतना सा अमाउंट फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स के टीचर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के टीचर्स के, तो आपका बेनिफिट हो रहा है। आपको कोई एक टीचर नहीं पढ़ा है, आपको एक से नहीं समझ में आता एक टॉपिक, दूसरे से नहीं आता तीसरे से, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर ईच एंड एवरी टीचर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इस चीज का फायदा उठाओ यार। उसके बाद आइकॉनिक में हम आपको स्पेशल पर्सनल गाइडेंस देते हैं, एक मेंटोर आपके साथ होगा जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट, कैसे एडमिशंस, कहाँ एनालिसिस, कैसा पेपर हुआ, कैसा टेस्ट हुआ, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, प्लानिंग में, एनालिसिस में, इन सब में अच्छा डिटेल एनालिसिस और एक अच्छा गाइडेंस। इसमें जो एक चीज बस ऑनलाइन में थोड़ी सी मिसिंग थी, पर्सनलाइज यू नो इंटरेक्शन, वो चीज यहाँ बढ़ जाएगी। इसमें भी आप कोमल लाइफ कोड लगा सकते हो एंड गेट योर 10% ऑफ। ठीक है, कोमल लाइफ कोड, आप एडमिशन इसमें ले रहे हो किसी भी कोर्स में, चाहे वॉट एवर द ड्यूरेशन इज, आप कोमल लाइफ कोड लगाओ, एटलीस्ट आई विल गेट टू नो दैट यू यूज माई कोड। एंड ये ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन बेटा सोच के देखो प्राइस के बदले में व्हाट व्हाट असिस्टेंस यू आर गेटिंग, है ना, आपका करियर बनाने में, आपको गाइडेंस देने में हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सो इस चीज को आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो, आप EMI के फॉर्म में पे कर सकते हो, लमसम अगर लगे तो आप उसको एक साथ पे कर सकते हो, टोटली टोटली अप टू यू। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज अनदर चैनल,
थोड़ा नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां से आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे बेटा, और क्लासेस नोटिफिकेशन यूट्यूब पे है, प्लस पे है, फ्री है, कहाँ है, कौन टीचर्स, तो जितने भी नीट बॉय आज के टीचर्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे क्लासेस देते हुए दिखाई देंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। पहला क्वेश्चन, बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक व्हिच सेल हैज अ शॉर्टर डिविजन टाइम। शॉर्टर डिविजन टाइम बेटा होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, क्यों? उसको ऑर्गेनेल नहीं डुप्लीकेट करने, उसको जेनेटिक मटेरियल ज्यादा नहीं डुप्लीकेट करना, उसका काम थोड़ा कम है ना, तो ये एक चीज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। सेल साइकिल के अंदर सबसे बड़ा ड्यूरेशन G1 फेज का होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा काम साइटोप्लाज्म में इंक्रीज करना है, ऑर्गेनेलीज इंक्रीज करना है, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। काफी चीजें, जो सेल का मेन मास है वो ये फेज में बनेगा, इसलिए G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द होल सेल साइकिल, और यू कैन से ऑफ इंटरफेज, और अगर आप इंटरफेज और माइटोसिस मियोसिस में पूछते हो तो इंटरफेज लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, बिकॉज सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज, और इसमें G1 फेज सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग और नेम अ स्टेन दैट इज कॉमनली यूज टू कलर क्रोमोसोम्स। सो व्हाट यू कैन यूज इज एसिटोकार्बिन, एसिटोकार्बिन और फ्यूजन स्टेन। बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम होता है ना बेटा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके लिए जो हम डाई या कलर यूज करते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक डाइज बोलते हैं हम इनको, जिसका एक एग्जाम्पल एसिटोकार्बिन है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी योर फ्यूजन स्टेन, दोनों क्रोमोसोम को कलर करने में हेल्प करेंगे, स्टेन करने में हेल्प करेंगे। विच टिश्यू ऑफ एनिमल और प्लांट एग्जिबिट्स मियोसिस। वो सेल्स, सेल्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म गेमीट्स, गेमीट फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। सो टिश्यू ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स जो गेमीट बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप प्लांट्स में स्पेसिफिकली लिख सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, ऐसे आप एनिमल्स में लिख सकते हो ऊसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स आर द एग्जैक्ट सेल्स दैट अंडरगो सेल डिविजन। कौन सा वाला? मियोसिस, रिडक्शनल डिविजन। नेक्स्ट, गिवन दैट द एवरेज डुप्लीकेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट्स, 20 मिनट में डिवाइड होता है, हाउ मच टाइम विल टू ई कोलाई सेल्स टेक टू बिकम 32? दो से 32 जा रहे हो, है ना, 2 to 32 यू आर गोइंग, तो कितने जनरेशन? 2 raised to the power 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, so 2 raised to the power n, where n का वैल्यू इज 5 ईयर, दैट मीन्स 5 times अगर आप ये करोगे 20, तो 5 into 20 यू आर गोइंग टू गेट 100 मिनट्स में 32 सेल्स, ठीक है। और यू कैन से दिस इज लाइक वन, ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो सेल से स्टार्ट कर रहा है, दो सेल से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक सेल 20 मिनट में 100 बना देगा, तो देखो 100 मिनट्स में चला जाएगा, तो इसको और थोड़ा बेटर रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं। एक सिंगल सेल, वन सिंगल सेल गोज टू टू, है ना, देखो एक सेल 2 में जाता है, ये दोनों आगे जाएंगे 4 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिविजन, सेकेंड डिविजन, जेनरेशन, हाउ मच टाइम पूछ रहा है, तो 1 से 2, 2 से 4 होने में इसको कितने मिनट लगेंगे? 40 मिनट्स, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द 2 E. coli cells, वहां से मेरे को 32 पहुंचना है बेटा, राइट। सो लेट्स से कि अगर एक सेल यहाँ है, एक यहाँ है, ये पहले 1 मिनट में दोनों डिवाइड कितने में हो गए? 4 में,
सो दिस इज द फर्स्ट 20 मिनट्स में 4 बन गए, फिर आगे जाएगा. आई हैव 8 सेल्स इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है, अगले में 16 हो जाएंगे और फोर्थ वाले के बाद 32 हो जाएंगे. सो 2 raised to the power 4 आ जाएगी वैल्यू, 2 to the 4 4 आया ना, तो 4 जेनरेशन लगनी चाहिए टू गेट 32 सेल्स फ्रॉम 2 सेल्स. अब 4 जेनरेशन लग रही है तो 20 into 40 यू विल गेट 80 मिनट्स टू रीच 32 सेल्स, ठीक है. 32 सेल्स बनाने के लिए 2 सेल्स में से आपको अराउंड 80 मिनट्स लगेंगे. नाउ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी शुड वन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. ह्यूमन बॉडी के अंदर आप कोई भी सेल ले जा सकते हो फॉर माइटोसिस. आप स्किन सेल्स ले जा सकते हो, आप चीक सेल्स, अंदर आपके चीक सेल्स आर इजीएस्ट टू एक्सट्रैक्ट, तो चीक सेल्स ले जा सकते हो. एनी सोमैटिक सेल, योर बोन मैरो सेल्स ऑल्सो गो फॉर माइटोसिस, स्टेम सेल्स माइटोसिस. तो अगर बिल्कुल ह्यूमन में से ही आपको ले जाना है और फिर उसको इंड्यूस करना है उसमें माइटोसिस, तो एनी डिफरेंशिएटेड योर स्किन सेल्स या अंदर से चीक सेल्स, दीज कैन बी यूज्ड फॉर सेल डिविजन पर्पसेस, ठीक है, माइटोसिस के लिए स्पेसिफिकली. अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. व्हाट एट्रीब्यूट्स डज अ क्रोमैटिड रिक्वायर टू बी क्लासिफाइड एज अ क्रोमोसोम. कैसे हम एक क्रोमैटिड को क्रोमोसोम बोल सकते हैं. This has 2 segments in it. ठीक है, सेंट्रोमियर का प्रेजेंस, एंड्स का प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ टीलोमियर्स, ठीक है, एंड इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल और वो टाइटली पैक होके एक स्ट्रक्चर बनाता है विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ लॉन्ग आर्म. This forms a chromatid. ठीक है, तो जब कोई भी क्रोमोसोम अच्छे से टाइटली पैक्ड है, उसके पास सेंट्रोमियर है, एनीथिंग दैट इज देयर, दैट इज नोन एज अ सिंगल क्रोमैटिड. वन क्रोमोसोम कैन बी ऑफ अ सिंगल क्रोमैटिड जो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर इसी सेंट्रोमियर पे एक सेट और आ जाता है, सो दैट इज अनदर सेकेंड क्रोमैटिड ऑन द सेम सेंट्रोमियर. ठीक है, नेक्स्ट. The diagram shown or shows a bivalent prophase 1, bivalent of prophase 1. Which of the 4 chromatids can cross over? तो अगर मैं इनको देखती हूँ, there will be a crossover between red and blue. Red और blue के बीच में crossing over होगा. Red, red, blue, blue में नहीं होगा. ठीक है, विच ऑफ द 4 कैन क्रॉस और कैन हैव अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. रेड को रेड से कराने का फायदा ही नहीं, ब्लू को ब्लू से कराने का फायदा ही नहीं, सेम है, सिस्टर सेल्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एग्जैक्टली डिटो कॉपी, सेम, तो नो पॉइंट. देयर हैज टू बी अ क्रॉस ओवर बिटवीन ब्लू एंड रेड इस वाले डायग्राम में. नेक्स्ट, एंड ध्यान रखना बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो पेयर हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट पेयर टुगेदर, ओके, और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. इसको और इलाबोरेट करना चाहते हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, देन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में आप डिफरेंस दे सकते हो और फिर आप इसको लिख सकते हो, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प, क्वाइट हेल्पफुल. ओके, इफ अ टिश्यू हैज टू गिव, हैज अ गिवन टाइम, ओके, इफ अ टिश्यू हैज एट अ गिवन टाइम 1024 सेल्स, how many cycles of mitosis had the original parental cell undergone? देखो बेटा, number of mitotic divisions are going to be 1024 minus 1, that is 1023 divisions हुए होंगे total. ठीक है, mitotic generation, माइटोटिक
जेनरेशन वुड बी 2^n, जिसकी वैल्यू 1024 आ जाए, ठीक है। तो यहां से इस n की वैल्यू निकाल ली जाए, बस कितने पे आ जाएगी, I'm leaving it up to you. ढूंढो, तो n की वैल्यू विल बी द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन दैट हैव टेकन प्लेस। दोनों आ सकते हैं क्योंकि अभी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है आपके पास, ऑप्शन थोड़ी दिए, तो यू गिव योर आंसर्स इन बोथ फॉर्म, नंबर ऑफ डिविजन्स में, नंबर ऑफ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट, एन एंथर हैज 1200 पोलन ग्रेन्स, 1200 पोलन ग्रेन्स, हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स मस्ट हैव बीन देयर टू प्रोड्यूस देम। एक पोलन मदर सेल, एक पीएमसी फॉर्म्स 4 पोलन्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1200 पोलन्स हैं डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी 300 पीएमसी दैट आई हैड पोलन मदर सेल्स दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दीज मेनी पोलन। सिंपल फंडा, डिवाइडेड बाय 4, फंडा ऑल क्लियर। यही क्वेश्चन अगर एग के लिए होता बेटा तो अलग हो जाती बात। 1 megaspore मदर सेल फॉर्म्स 1 egg, ठीक है, क्योंकि 4 बनते तो हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल रहता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे तब भी देखा, इतने सारे पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे आए हैं। एस फेज, एस फेज में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डीएनए का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशन एंड योर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीनों चीजों का बहुत बहुत सिग्निफिकेंस किसमें, एस फेज, ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं इन द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेड दैट 1 cycle ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन सेल्स, यूकैरियोटिक सेल, टेक्स 24 hours, 24 घंटे लगे, ओके। विच फेज ऑफ साइकिल डू यू थिंक ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पोर्शन। तो अराउंड 23 hours जाते हैं इंटरफेज में, जाते हैं इंटरफेज में, सिर्फ 1 hour में माइटोसिस होता है, एम फेज, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन अराउंड 8 to 11 hours आर गोइंग टू गो इन G1 फेज, ठीक है, काफी टाइम 8 to 10 और 8 to 11 hours आर गोइंग टू गो इन G1 फेज, समझे मेरी बात। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो जाता है दैट इज ऑफ इंटरफेज और उसके बाद भी जीवन, इंटरफेज के भी जीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हार्ट सेल्स डू नॉट एग्जिबिट सेल डिविजन, ठीक है, सच सेल्स डू नॉट फर्दर डिवाइड एंड एग्जिट विच फेज, एग्जिट डैश फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड डैश ऑफ द सेल साइकिल। It exits the G1 phase, or you can say interphase, and enters into a quiescent stage, also known as G0 phase of cell cycle. Inactive stage with respect to division. समझ रहे हो बेटा? ये confused नहीं हो रहा इससे? इन विद रिस्पेक्ट टू डिविजन वो एक अलग जगह निकल गया है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म। काम तो तब भी कर रहा है, जिंदा है ना हार्ट सेल, मेटाबॉलिज्म उसका अभी भी एग्जिस्ट करता है। इट इज द विद रिस्पेक्ट टू डिविजन इट इज इनएक्टिव, इट इज नॉट डिवाइडिंग एनी मोर, ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ओ दिस इज नाइस question, another, in which phase of meiosis are the following formed, choose the answers from the hint given below. तो नीचे options दिए उन्होंने, हम लिखते जाएंगे एक एक को हटाते जाएंगे, ठीक है, alright, okay, synaptonemal complex, synaptonemal complex start forming in zygotene,
आंसर ही दिया हुआ है उन्होंने वैसे, बट हम यहाँ देखते हैं. रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स, पैकाइटीन, प्रोफेज वन. अपियरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, अगेन पैकेटीन. आंसर दिया हुआ है उन्होंने नीचे हिंट में आपको. एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे. इसी के ऊपर आप देखो ना, इसी पे सेम पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो मिल सकता है. सेम कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है, फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है. तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है, दोनों चीजों को एक से दूसरे में मोल्ड किया जा सकता है. इट्स अबाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डायकाइनेसिस एट द एंड ऑफ प्रोफेस. इंटरकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज वन एंड बिफोर मियोसिस टू. पहले मियोसिस और मियोसिस वन और टू के बीच में जो इंटरफेज आएगा उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. दो डिविजन के बीच वाला इंटरकाइनेसिस, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है बेटा, दैट देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन. और जब डीएनए ही नहीं रेप्लिकेट हो रहा तो उसका पैकेजिंग मटीरियल क्यों रेप्लिकेट करूं. नो पैकेजिंग, That is no histone protein duplication. जितने हैं उतने बहुत हैं. लेकिन हाँ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में जरूर होगा. ओके, तो इंटरकाइनेसिस के लिए ये हो गया. एंड द लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल. डायड का मतलब दो सेल पूछा बेटा, क्रोमोसोम नहीं. तो दो सेल तो आपके टीलोफेस के एंड में न्यूक्लियस के फॉर्म में, या आप ज्यादा बेटर है यू राइट मियोसिस वन के एंड में आफ्टर साइटोकाइनेसिस वन. आफ्टर साइटोकाइनेसिस वन. ठीक है, तो ये समझ आया. अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन. सेंट्रियोल का रोल, ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर आंसर होगा अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो. सेंट्रियोल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, और इसके अलावा बेटा ये बनाते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है, तो आप ये चीज नेक्स्ट चैप्टर जो है ना सेल वाला, उससे रिलेट करके इसको आंसर कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसके अंदर माइक्रोटिब्यूल जनरेटर बना सकते हो कि जहां जहां माइक्रोटिब्यूल चाहिए वहां ये हेल्प कर देगा, साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्प कर देगा. बट मेजरली अपार्ट फ्रॉम स्पिंडल फॉर्मेशन इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर आंसरिंग दिस, थोड़ा रिलेशन उधर है. अगर आपने नहीं देखा है सेल वाले रिकॉर्डिंग्स तो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल है, और मैंने ऐप पे भी पढ़ाया तो आप एक बार जाके उसको भी जरूर देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल है. व्हाट इज नोन अबाउट द फेट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन लाइक माइटोसिस. अपना जेनेटिक मटेरियल है तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं. आप इसको स्टार्ट ऐसे करोगे आंसर को, दैट दिस दीज टू आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना 70S राइबोसोम, तो अपना आधा काम कर लेता है ये खुद. फॉर सम वर्क इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, राइट. फॉर सम वर्क दैट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, ये माइटोसिस से पहले डिवाइड करेंगे इनटू टू. व्हाट इज नोन अबाउट देयर फेट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन लाइक माइटोसिस. अगर माइटोसिस हो रहा है, सेल का डिवीजन होगा, सो दीज टू ऑर्गेनेलीज विल गो फॉर बाइनरी फिशन. क्या करेंगे ये, दे विल गो फॉर बाइनरी फिशन. ठीक है बेटा, तो अपने आप पहले डिवाइड हो चुके हैं और फिर साइटोप्लाज्म के साथ साथ निकल जाएंगे न्यूक्लियस के दोनों से, इक्वल डिवीजन. नेक्स्ट, लेबल द डायग्राम एंड ऑल्सो डिटरमाइन द स्टेज इन विच दीज स्ट्रक्चर्स आर विजिबल. ये स्ट्रक्चर बनने को आए हैं, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग मेटाफेजिक प्लेट.
स्पिंडल्स ने क्रोमोसोम्स को पकड़ लिया है और वो उसको मेटाफेजिक प्लेट पर ले जा रहे हैं, राइट? देर इज नो पेयरिंग टूगेदर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ब्लू ब्लू के साथ नहीं है, व्हाइट रेड रेड के साथ नहीं है ना. सो दिस स्टेज अपीयर्स टू बी अ स्टेज ऑफ प्रोफेज बट अ लेट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. कैसे पता चला? बाइवेलेंट नहीं है मेरे पास यहां पे, है ना, और वो काइजमेटा वगैरह भी नहीं बना, नहीं तो ये प्रोफेज वन हो जाता, राइट? और क्योंकि मेरे पास ब्लू के दो दिख रहे हैं, रेड के दो दिख रहे हैं, इसलिए ये प्रोफेज टू भी नहीं है, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा, राइट? अभी तक मेटाफेजिक प्लेट पे पहुंचा नहीं है, तो पहुंचने की तैयारी कर रहा है. इस टाइम तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है, ठीक है. सो वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर. सेल ऑर्गेनली डिसअपियर, ठीक है. क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड, ठीक है. एंड स्पिंडल्स आर अटैच टू द काइनेटोकोर्स. और हम किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट मिडिल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड, हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द पोल्स, हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द पोल्स. बढ़िया. तो आपको एक तरीके से बस प्रोफेस को इलाबोरेट करना है इस ऑप्शन में, तो डायग्राम ड्रॉ करो, पॉइंट्स लिखो, एंड इट, सिंपल. नेक्स्ट, अ सेल हैज 32 क्रोमोसोम्स. बढ़िया बात. इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज? व्हाट वुड बी द कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज? ध्यान दो. अब ना हम सबका लिख देंगे, हम सबका लिख देंगे, बस मेंशन थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, एक पेंसिल वाले बॉक्स में डाल देना जिसका पूछा है. तो पहली बात तो फेजेस की बात हो रही है, हम माइटोसिस में हैं, हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से G2 फेज, है ना. माइटोसिस में एंटर करना है, उससे पहले G2 में देखो कैसा है. 2N4C आपके क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, दो सेंट्रोमियर लेकिन चार क्रोमैटिड्स, दो सेंट्रोमियर से 2N, चार क्रोमैटिड से 4C. अब प्रोफेज में भी सेम चीज रहेगी, मेटाफेज में भी सेम चीज रहेगी, एनाफेज में देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है. ये इंटरजोनल फाइबर्स बन जाते हैं उनके बीच में. सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो अब मेरे पास चार सेंट्रोमियर हो गए. जब मैं यहां गिन रही थी तो दो थे, तो मैंने 2C लिखा. अब चार है तो हम लिखेंगे 4N4C. सो द अमाउंट ऑफ DNA इज 4 टाइम्स इन एनाफेज अलोंग विद क्रोमोसोम्स ऑल्सो. टीलोफेज में जाके दोनों न्यूक्लियस की प्लॉइडी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाती है, इट विल बी 2N2C 2N2C. ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी कहलाता है. इसमें मैंने एक छोटा सा 15 मिनट का वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, यू कैन सर्च फॉर इट. मैं कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक भी भेज दूं, उसको जरूर देखना बेटा एक बारी. अगर आपको कहीं पर भी ये प्लॉइडी और सी और एन के कंटेंट वाली पॉइंट में ना डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, राइट. एंड वी ऑल्सो नीड टू क्लियर इट आउट बिकॉज ये सारी चीजें ना बार बार इस वाले चैप्टर में तो आती है. Alright, so now since they have specifically asked anaphase, आप anaphase वाले point को arrow करके या एक box में represent कर सकते हो, ठीक है. बढ़िया. Next question, while examining the mitotic stage of a tissue, one finds that some cells with 16 chromosomes and some with 32 chromosomes. किसी के पास तो 16 chromosome है और किसी के पास 32 chromosome है. What possible reasons you assign to this difference in the chromosome number?
Do you think cells of 16 chromosomes could have arisen from cells with 32 chromosomes or vice versa? देखो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, मतलब माइटोसिस चल रहा है ना। 32 क्रोमोसोम्स से 16 क्रोमोसोम हो जाना ये मियोसिस में होता है, ये मियोसिस में होता है कि हाफ हो जाएगा नंबर। सो इफ आई स्टार्ट दिस एज 22n, आई हैव दिस एज हाफ ऑफ देम, n खत्म हो गई बात। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास 42 क्रोमोसोम्स एक माइटोटिक डिवीजन में दिखाई दे रहे हैं, मतलब वहां पे मियोसिस नहीं हो रहा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं जा रहे हम, तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा कि ये जो 32 आपने क्रोमोसोम्स देखे ना, ये आपने माइटोसिस के एनाफेज में देख लिए हैं। एनाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसके डबल दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर मैं 2n की नंबर लेके चलती हूं तो यहाँ 4n हो जाता है। इसका मतलब अगर माइटोसिस देखूं तो माइटोसिस में 32 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन एनाफेज एंड नॉर्मल कंडीशन उसकी 16 क्रोमोसोम की है। सो यस 32 क्रोमोसोम्स आर अराइजिंग फ्रॉम 16 बिकॉज अब सेल इसके बाद डिवाइड हो जाएगा दो में, वापस दोनों में 16-16 आ जाएंगे। माइटोसिस से आपके पास इक्वेशनल डिवीजन आने चाहिए, यू शुड गेट एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एंटर किए। तो 16 क्रोमोसोम एंटर करते हैं लेकिन डबल क्रोमेटिड के साथ डिवाइड हो जाते हैं तो 16-16 रह जाते हैं, 16-16 ईच, परफेक्ट। तो ऐसे फेज में आपने जब उसको 32 क्रोमोसोम की स्टेज में देखा ना, आपने एनाफेज देख लिया है माइटोसिस का। इसके जस्ट बाद सेल डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करने के बाद दोनों सेल्स में 16-16 क्रोमोसोम्स होंगे। ये माइटोटिक डिवीजन के लिए। माइटोसिस में इफ यू सी 32 क्रोमोसोम्स, दे आर अराइजिंग फ्रॉम 16 क्रोमोसोम्स, बट इन मियोसिस अगर आप ये चीज देखते हो कि 16 क्रोमोसोम आखिरी में दिखते हैं आपको, तो इसका मतलब 32 टोटल नंबर था और ये अब रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी एंड रेफर द सेशन ऑफ मियोसिस एक बार इस सेशन को अटेंड करने के बाद, क्लैरिटी आपको खुद ब खुद मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज आई एम देयर फॉर डाउट सेशंस, एब्सोल्युटली जो भी डाउट सेशन रखेंगे पक्का उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा, इफ देयर इज एनी डाउट इन इट। होना नहीं चाहिए, एक बार आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी समझ लिया बेटा, जिसको ये अच्छे से समझ में आ गया कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी चैप्टर में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। The following events occur during the various phases of cell cycle. Name the phase against the event. Badhiya. Disintegration of nuclear membrane, prophase. Aur agar bahut hi detail likhna hai to late prophase. Theek hai? Appearance of nucleolus. This, if I'm talking about, this will be in telophase. Telophase mein there is reappearance of all the structures. Nucleolus, nuclear membrane, cell, organelles, sab koi wapas aa jayega. Division of centromere. Centromere split hota hai. Anaphase. Anaphase of mitosis and anaphase 2 of meiosis. ठीक है, anaphase 1 में splitting of centromere नहीं होगा. And replication of DNA, S phase. देख रहे हो अब कितना सिंपल चीज, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे क्यों छोड़ के जाते हो मेन मेन पॉइंट्स को भी? रिवाइज करने में हेल्प करता है बेटा ये सारी चीजें। माइटोसिस रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग टू सेल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इररेग्युलरिटीज occurs during mitosis. ये सारी गड़बड़ हुई अगर तो क्या होगा final conclusion एक mitotic division का। चलो nuclear membrane fails to degenerate disintegrate. Normally अगर normal cell है और उसके अंदर nuclear membrane नहीं हटा तो spindle अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ है, बाहर, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पिंडल जॉइनिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्रोमोसोम अंदर है, सेंट्रियोल बाहर है, गाइकोन से. इन अ नॉर्मल सेल दिस विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, अल्टीमेटली वो अपने आप क्रोमोसोम सारे अलग हो जाएंगे, सेल की प्लॉइडी बढ़ जाएगी, स्पिंडल टाइम से पहुंच नहीं पाया, डीएनए का तो डुप्लीकेशन हो गया था इस फेज में, स्पिंडल नहीं पहुंचा, वो स्पिंडल की गलती. तो एनाफेज मेटाफेज कुछ नहीं होने वाला है, बस एंड में उसी न्यूक्लियस में अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा. सो नो स्पिंडल ज्वाइनिंग एंड हेंस इंक्रीज इन प्लॉइडी एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए. नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट अकर. अगर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो कुछ भी आगे जा नहीं पाएगा, द सेल विल टर्मिनेट, इट विल मोस्ट प्रोबेबली डाई, नो माइटोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि मैं क्या लेके जाऊं मेटाफेजिक प्लेट में, हर क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड का, एनाफेज में मैं क्या स्प्लिट कराऊं, पॉसिबल ही नहीं स्प्लिट हो, क्योंकि स्प्लिटिंग के लिए तो मेरे को दो क्रोमैटिड चाहिए ना, वो है ही नहीं. सो नो माइटोसिस, ऑल द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस वोंट बी एबल टू टेक प्लेस, स्पेशली स्पेशली एनाफेज की तो हो गई बल्ले बल्ले. ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड. सेंट्रोमियर अगर स्प्लिट नहीं हुआ तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा दैट बोथ क्रोमैटिड्स मूव टू आइदर वन ऑफ द पोल्स, बोथ क्रोमैटिड मूव टू आइदर पोल्स, किसी एक की तरफ चला जाएगा वो, या थोड़ी देर में खुद एक दूसरे को अलग छोड़ देंगे, अगेन लीडिंग टू इंक्रीज इन प्लॉइडी और एबनॉर्मलिटी इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एबनॉर्मलिटी इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, सबका ही नहीं हुआ तो प्लॉइडी बढ़ गई, एक या दो क्रोमोसोम का नहीं हो पाया तो एक दो क्रोमोसोम का नहीं हो पाया तो एबनॉर्मलिटी बढ़ गई. ठीक है, साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर. साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हो गया है, बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा, बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा. न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया था, सेल नहीं डिवाइड हो रहा है, दो न्यूक्लियस पड़े हैं, एक ही सेल में, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है, द साइज ऑफ द सेल इज बिगर ऑब्वियसली, क्योंकि जीवन फेज में हमने सब कुछ तो इंक्रीज किया था, अब उसको डिवाइड ही नहीं करा. ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इनका ध्यान रखना. नेक्स्ट, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो माइटोसिस. बढ़िया, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन, इफ एनी, ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बिटवीन द टू. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के माइटोसिस में ब्रॉडली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ब्रॉडली ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन लेकिन इफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गोज फॉर माइटोसिस, इट माइट ऑल्सो बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं, इट माइट ऑल्सो बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों ना हो. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब माइटोसिस होता है तो किसी चीज के रिप्लेसिंग के लिए होता है, ठीक है, किसी चीज की रिपेयर या रिप्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो रीजनरेशन, लाइक दैट. देन फर्स्ट पॉइंट इज दिस, एक तो फंक्शन का डिफरेंस आएगा, व्हाई देयर इज माइटोसिस. सेकेंड इज, यूनिसेल्युलर के अंदर एक ही सेल है तो वो सेल तुरंत माइटोसिस के लिए चला गया, ठीक है. मल्टीसेलुलर में सम सेल्स आर स्पेसिफाइड टू गो फॉर सेल डिविजन, ऑल द सेल्स ऑल द टाइम नॉट नेसेसरली कि वो सेल डिविजन शो कर रहे, ठीक है. ओवरऑल माइटोसिस में कुछ ज्यादा ब्रॉड डिफरेंस नहीं आएगा, सम माइन्यूट डिफरेंसेस कुड बी देयर. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की बात करते हो, इसको आप बहुत इलैबोरेट कर सकते हो बेटा,
क्योंकि यूनिसेल्यूलर, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करती हूँ तो बहुत डिफरेंस है। प्रोकैरियोट के माइटोसिस में, दैट इज नोन एज ए माइटोसिस, आई डोंट हैव G1S G2 फेज, चाहिए नहीं। ना सेल ऑर्गेनली है रेप्लिकेट करने को, ना न्यूक्लियस है, ना हिस्टोन प्रोटीन, ना सेंट्रियोल, कुछ नहीं। सो आई बेसिकली वॉन्ट टू डुप्लीकेट द जेनेटिक मटीरियल और दो डिवाइड हो जाए, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में ये डिफरेंस है। मल्टी सेलुलर ज्यादातर हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, तो वो वाला हमारा वाला माइटोसिस जो हमने डिटेल में पढ़ा, राइट? सो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। आप अपने हिसाब से लुक एट द नंबर नंबर्स यू गेट मार्क्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आप इसको वैसे इलाबोरेट कर सकते हो। ओवरऑल इफ यू आर सेइंग यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, तो मेन फंक्शन का काम है, वरना अदरवाइज देयर इज वेरी माइन्यूट और हार्डली एनी डिफरेंस विद सम फ्यू एक्सेप्शंस, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, नेम द पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन एन अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन अकर्स। दिस विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन एंड दैट ट्यूमर मे टर्न कैंसरस। इन सेल्स को पता ही नहीं चल रहा है। एक ना दो सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का एक प्रॉपर्टी होती है। आपका एक सेल डिवाइड करता है, चारों तरफ सेल्स है, ये डिवाइड हुआ बीच में, ये दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आया तो रुक जाएगा ग्रोथ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे ही दो सेल्स आपस में एक दूसरे को टच किए ना, वो साइज एनलार्जमेंट छोड़ देता है कि अब मेरे पास जगह नहीं। कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स की ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो साइड में टकरा गया, उसे पता है जगह नहीं है, वो फिर भी डिवाइड कर रहा है, फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, जगह नहीं है, स्टिल इट इज डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दोज हार्डन ट्यूमर्स। एंड अगर ये सेल की कैपेसिटी ऐसी ही रही और फिर वो बॉडी में भी फैल जाता है, देन इट कैन बिकम इन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर ऑल्सो। और ज्यादातर ट्यूमर सेल्स आर कैंसरस इन नेचर मोस्टली। ठीक है, अगला टू की पॉइंट्स, टू की इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग एस फेज इन एनिमल सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज दीज इवेंट अकर? डीएनए का रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में चल रहा है, और ये मैंने आपको बताया ही, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इज गोइंग ऑन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभार ऐसे मस्त क्वेश्चन आता है कहीं से। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट मियोसिस एनेबल्स द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इवन दो द प्रोसेस पर से रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जेनरेशन की जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन एक स्पीशीज का नंबर वो मेंटेन करे हुए है, जबकि वो खुद एक रिडक्शनल डिविजन है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू गो फॉर फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी होता है, वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गेमीट सो दैट देन दे फ्यूज, व्हेन दे फ्यूज, व्हेन दे गो फॉर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू द सेम क्रोमोजोम नंबर एज ऑफ पेरेंट्स। इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आप इसको एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं। क्या एग्जाम्पल बता सकते हो? ड्रॉ करो नॉर्मल पापा मम्मी के सेल्स, सपोज टेक द नंबर एज 2n, डिप्लॉयड है, मम्मी भी डिप्लॉयड है, गेमीट बना बिना मियोसिस के, नो मियोसिस। विदाउट मियोसिस अगर मैं गेमीट बना देती हूं तो ये तो डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, मतलब द नेक्स्ट जेनरेशन जाइगोट वुड बी टेट्राप्लॉइड एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
So, right, that this will happen if meiosis does not take place. Meiosis takes place, फिर आप ओवरलैप क्रॉस बना दो, हैप्लोइड हो जाएगा गेमीट, हैप्लोइड हो जाएगा गेमीट, यूज करोगे तो वापस डिप्लोइड आएगा. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज टू बी रिड्यूस्ड इन द गेमीट सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड एंड नॉट इंक्रीज्ड. ठीक है, तो पहले एक लाइन में ये लिखा, फिर दिखाया कि माइटोसिस मियोसिस अगर नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ होगी और क्यों हुआ तो सही बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, नेम अ सेल दैट इज फाउंड अरेस्टेड इन डिप्लोटीन फॉर मंथ्स एंड इयर्स. व्हाट इज दैट सेल? ऊसाइट. ऊसाइट्स इन सम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. कमेंट इन टू लाइंस हाउ इट कंप्लीट्स सेल साइकिल. The cell which is there in diplotene stage for months and years, तो ये diplotene stage क्या कहलाती है बेटा? Dictyotene. The prolonged diplotene is called dictyotene. It resumes the process of cell cycle when it has to go and form and release an egg. जब egg release करने की बात आएगी, egg releases from the ovary for fertilization. उस time पे इसको release किया जाएगा, उस time कोई एक oocyte अपना ये process resume करेगा और आगे जाएगा. ठीक है, नहीं जाता है, resume नहीं करता है तो difficulty, abnormalities, disorders. लेकिन when it goes on to resume the cell cycle, एक एक करके every month one egg is released during menstrual cycle और उसमें वो इसको रिज्यूम कर देगा. ठीक, नेक्स्ट, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स. ये तो सिंपल ड्रॉ करना है बस पैरेलली. प्लांट सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस है, इसलिए प्रोसेस बीच से साइड की तरफ जाएगा, सेंट्री फ्यूगली. यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन काइंड ऑफ मूव्स इन सेंट्रीपिटल. न्यूक्लियस तो दोनों के पास है. यहाँ बनता है सेल प्लेट एंड प्लांट सेल में यहाँ बनता है सेल फरो. सेल फरो विच इज मूविंग इनसाइड इज फॉर्म्ड इन सेंट्री पीटल ऑर्डर. ठीक है बेटा, और ये सेंट्री फ्यूगली बाहर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन. इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसको अंदर खींचने के लिए सेल फरो को अंदर खींचते टाइम माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प. यहां पर सेल प्लेट बनाने के लिए मेरे पास फ्रैगमोप्लास्ट, वो गोल्जी के छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ठीक है, तो डायग्राम तीन पॉइंट बस, नॉट दैट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट. ऑलराइट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट telophase is reverse of prophase. Just draw a comparison. Telophase में और prophase के अंदर पहली बात, nuclear membrane, nucleolus disappear. इसमें reappearance होगा. Reappearance बहुत चीजों का, यहां disappearance बहुत चीजों का. कौन सी बहुत चीजें? Nuclear membrane, nucleolus reappear, disappear. टीलो फेज में पहले टीलो बता रही हूँ, फिर प्रो. चाहो तो आप पहले प्रो बाद में टीलो लिख सकते हो. फिर सेल ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली डिसअपीयर्स प्रोफेज, रीअपीयर्स टीलो फेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया था. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टीलो फेज. इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से कहानी पूरी उल्टी चल रही है.
सेंट्रियोल के मूवमेंट की कोई बात नहीं आएगी क्योंकि उसका कुछ खास रिलेशन है नहीं प्रोफेस और टेलोफेस में, ठीक है। तो 3-3 पॉइंट ईच, फिर ड्रॉ कर दो, डायग्राम बन गया, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेज वन, इनमरेट द क्रोमोसोमल इवेंट्स ड्यूरिंग ईच स्टेज। पहला, प्रोफेज वन में 5 स्टेजेस आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में बीडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हुई है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज। ठीक है, जाइगोटीन, जाइगोटीन में बायवेलेंस बनते हैं, बायवेलेंट फॉर्मेशन एंड साइनेप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स यहां पे हो रहा है। पैकेटीन, बायवेलेंस विजिबल, दिखाई यहां देते हैं, बायवेलेंस आर विजिबल, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। सो काइज़मेटा फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का प्रेजेंस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्टिविटी, ये सब कहां हो रहा है, इधर। डिप्लोटीन, काइज़मेटा विजिबल, काइज़मेटा दिख रहा है, काइज़मेटा बनता पैकेटीन में, दिखता डिप्लोटीन में। इधर डी साइनेप्सिस, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इधर होने वाला है। एंड लास्ट डाइकाइनेसिस is characterized by terminalization of काइज़मेटा। काइज़मेटा will reach the ends। बस इतना सा करना है, चाहो तो draw भी कर सकते हो, चाहो तो इस चीज को और elaborate भी कर सकते हो, that is totally up to you। Differentiate between the events of mitosis and meiosis। There is hardly any difference during G1S and G2 phase। बात आएगी प्रोफेज की, माइटोसिस में प्रोफेज छोटा होता है, शॉर्ट प्रोफेज, इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोफेज। ठीक है, मेन तो ये हुआ। सेकेंड मेन पॉइंट इसका ये हुआ, ये इक्वेशनल डिवीजन है कंप्लीटली, वेर एज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन मेनली। ठीक है, माइटोसिस इज अ सिंगल डिवीजन, एक बार में सेल डिवाइड हो गया बस उतना ही होता है। माइटोस मियोसिस इज अ डबल डिवीजन, दो बार डिवीजन होती है इसमें, न्यूक्लियस की डिविजन दो बार होती है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, डबल डिविजन विद वन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्टली सेम पेरेंट, आइडेंटिकल सेल्स बनाता है, आइडेंटिकल सेल्स, और यहां पे नॉन आइडेंटिकल सेल्स, और यू कैन से सिमिलर सेल्स बनाएगा। ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आता है तो आप माइटोसिस के सारे फेजेस बनाओगे बेटा, ऑल द डायग्रामेटिक फेजेस ऑफ माइटोसिस, और वहीं पे आप मियोसिस के भी सारे स्टेप्स बनाओगे। ठीक है, ऐसे में जल्दी लिखने आना चाहिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास पहले एक बार ही एटलीस्ट मैंने लिख के देखा हो, तो कैसे जाएगा आई विल गिव यू एन ओवरव्यू हियर। माइटोसिस आपने डिफाइन किया, उसके पी मैट के सारे स्टेजेस बनाए, मियोसिस आपने डिफाइन किया, उसके
पहले प्रोफेज के आपने सारे स्टेजेस बनाए और फिर दूसरे पेज पे पूरे बाकी बचे हुए स्टेजेस बनाए। स्टेज के नीचे लिख दो, स्टेज के नीचे लिख दो। सो इट काइंड ऑफ विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू नीड टू स्पीड इट अप। इसके लिए माइटोसिस विल नॉट टेक टू मच टाइम, लेकिन मियोसिस एक बार एक सिंगल पेज पे अपने पास नोट्स बना के जरूर रखना। मियोसिस के एक जगह पर नोट्स बना के जरूर लिखना। ये चीज है डिफरेंस के फॉर्म में आनी चाहिए कि माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है। फिर स्टेज स्टेज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये टू आंसर। वाइल आंसरिंग एटलीस्ट आपको इसका एक बार लिखा होना चाहिए। और कसम से बताऊं ना, अगर आपने ये लिख लिया एक बार इसको, यू कैन शेयर द पिक्चर विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। एक बार अगर आपने लिख लिया ना इसे, चैप्टर ही रिवाइज हो गया समझो, क्योंकि चैप्टर में है क्या, 2/3 ऑफ द चैप्टर इज दिस। ओके, नेक्स्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मेटाफेजिक प्लेट। सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज टेकिंग प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पहली बात। इट्स अ ट्राइलैमिलर प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बिटवीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हेल्प्स इन जिपिंग द टू क्रोमोसोम्स टुगेदर, ठीक है, सो दैट दे कैन जॉइन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। वेयर विल इट टेक प्लेस, साइट जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, ठीक है, ये इसकी बात है। डायग्राम कहाँ हो रहा है, क्या काम है, किसका बना है, चार चीजें आ गई, बहुत है। मेटाफेजिक प्लेट, इट्स एन इमेजिनरी इक्विटोरियल प्लेट, इमेजिनरी इक्विटोरियल इक्विटोरियल प्लेट ऑन विच ऑल द क्रोमोसोम्स अलाइन बिफोर दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स इन एनाफेज। मेटाफेजिक प्लेट इज एन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी इक्विटोरियल प्लेट ऑन विच ऑल द क्रोमोसोम्स अलाइन, सारे आके बैठते हैं बिफोर दे कैन बी सेपरेटेड टू मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। दिस इज फॉर्म्ड इन ऑल मेटाफेजेस, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज टू forms one metaphasic plate, whereas metaphase one has a two metaphasic plates. Simple, ठीक है, easy, draw it, draw तीनों के metaphase, metaphase of mitosis ऐसा दिखता है, this is mitosis का metaphase, this is metaphase one of meiosis, and again similarity between metaphase two of meiosis two, किसके साथ, mitosis वाले के साथ, देखो काफी similar है, लेकिन difference ये होगा कि यहां कोई भी crossing over नहीं हुई होगी, whereas यहां पे काफी जगहों पे crossing over हो गई होगी, आप ऐसे दिखा सकते हो उसको, थोड़ा सा शेडेड पार्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन हायर ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था किसके लिए चाहिए, फॉर रिपेयर, रिप्लेसिंग, इंक्रीजिंग द नंबर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, कहीं पे ऐसी जगह पे जहां आपको नंबर इंक्रीज करना हो वहां माइटोसिस लगेगा। टू फॉर्म अ सेल विच इज एग्जैक्टली एज द पेरेंट, डिटो कॉपी सेम, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस आएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ गेमीट एंड स्पोर्स, गेमीट एंड स्पोर फॉर्मेशन। द मेन
पॉइंट इज टू रिड्यूस द नंबर सो दैट उसमें अगर फ्यूजन हो तो आपके पास वापस नॉर्मल आ जाए नंबर. और दूसरा मियोसिस का मेन पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन, एंड दिस रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू जेनेटिक वेरिएबिलिटी. इसलिए देर इज अज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस नॉट जस्ट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म में बट एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी है. ठीक है, तो अगर बाहर से दो अलग कॉम्बिनेशन बन के आते हैं मियोसिस होता है तो दैट विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म हैज टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर इज फोर. दो पैर हैं मतलब 2n और उसका नंबर 2n चार होता है. मतलब अगर मैं हैप्लोइड में देखूं तो एक एक दो दो ही आएंगे उसके पास. डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द क्रोमोसोमल अरेंजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस टू. मियोसिस टू में पहुंच गए आप, मियोसिस टू में प्लॉइडी आधी हो जाती है, n हो जाता है. इन मियोसिस टू This individual is going to be N to C. इसका ऐसे होगा बेटा क्रोमोसोम में अरेंजमेंट. आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू. प्रोफेज वन, पहले मैं लिख देती हूँ. प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू. ठीक है, यहां ध्यान देना कैसा दिखाई देगा. प्रोफेज के अंदर तो वैसे ही धीरे धीरे हल्का हल्का कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल देयर, समथिंग लाइक दिस. मेटाफेज में इसका अरेंजमेंट अच्छे से दिखाई देगा और ये ऐसा होगा, एक क्रोमोसोम ये वाला एंड यू विल हैव अनदर क्रोमोसोम लाइक दिस. बिकॉज इट्स हैप्लोइड नंबर इज फोर, डिप्लॉइड नंबर इज फोर. बेटा ऐसा था ये स्टार्टिंग में ना, दो येलो दो ऑरेंज. एस फेज के टाइम पे डुप्लीकेशन हुआ होगा तो सारे दो दो क्रोमेटिड के हो गए. फिर एक ऑरेंज एक येलो दूसरे सेल में चला गया, एक ऑरेंज एक येलो इस वाले सेल में आ गया. मैं एक सेल का ड्रॉ कर रही हूं, दूसरे वाला सेम ड्रॉ होगा. ठीक, फिर ये स्प्लिट हो जाएंगे. स्प्लिटिंग हो गई एनाफेज में. कौन स्प्लिट करा के लेके गया है? स्पिंडल फाइबर. तो आप स्पिंडल फाइबर भी बना सकते हो. यू कैन इवन ड्रॉ द स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे. ठीक, और उसके बाद टीलोफेज में दोबारा से आपके पास क्या बन गया? ये लो दो अलग अलग न्यूक्लियस. दोनों में अंदर कैसा दिखेगा? यहां तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, डीकंडेंसेशन हो जाएगा क्योंकि, लेकिन अंदर कैसा दिख रहा होगा? ऑरेंज का एक, ऑरेंज का एक, येलो का एक, येलो का एक. एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम है इसलिए एन. एक टाइप का एक ही, ऑरेंज का एक, येलो का एक, एक एक सेट एन. एंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल क्रोमेटिड सी. फिर से मैं ये बात बोल रही हूँ, गो बैक एंड वॉच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी, आपको काफी हेल्प हो जाएगी बेटा. यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी उसके बाद. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी आप रटोगे, रटना नहीं है. जो चीज समझने की उसको समझो. बहुत चीजें हैं ऑलरेडी, इतने एग्जाम्पल्स हैं बायो में याद करने के लिए, रटने के लिए, कि जो समझने वाली चीज है उसको समझो. ओके, ऑलराइट. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप. इससे जाओ प्लस पे, उससे नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू प्लस टुडे, बिकॉज मैं इसमें सारे चैप्टर्स आपके कराऊंगी इंपॉर्टेंट जो भी नीट 2021 के लिए है. ठीक है, दी सेशंस आर एट 2 PM मेरे. गेट सब्सक्रिप्शन, वहां से आप ये सारे ड्यूरेशन के कोर्सेज का कोड लगा सकते हो बेटा. राइट, बट 12 month इज मोर रिकमेंडेड फॉर 12th class और ड्रॉपर स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है. और दिस इज फॉर 11th. कोमल लाइव इज योर कोड, आप इसको यूज कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन मोर सब्सक्रिप्शन. तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स लोगे उतना ज्यादा सस्ता पड़ेगा. बट अगर आप कोई भी और कोर्स लेते हो कोमल लाइव कोड का लगा देना. आई विल गेट टू नो दैट यू यूज माई कोड एंड
थैंक यू सो मच फॉर दैट. ये अमाउंट आपका टिंगूस अमाउंट फॉर सो मेनी एडवांटेजेस, टेस्ट सीरीज, उनका एनालिसिस, उनका प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग, एवरीथिंग. और आइकॉनिक इवन बेटर बिकॉज आपके साथ एक मेंटर जुड़ जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे एंड तक, ठीक है, एडमिशन तक आपको मदद करेंगे हर स्टेप पे जहां आपको चाहिए एक पर्सनल गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग में, वे यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, कोई आपको अच्छे से गाइड कर रहा है. कोमल लाइफ कोड लगाओ, फिर से 10% ऑफ मिल जाएगा. आई विल गेट टू नो दैट यू लाइक माई टीचिंग एंड दिस इज द प्राइस जिसको आप पार्ट्स में पे कर सकते हो, ईएमआई में पे कर सकते हो. डोंट टेक अ गैम्बल ऑन योर प्रिपरेशन. प्रिपेयर किया तो एक साल बचेगा, वन ईयर ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा. तो उस चीज के बारे में पहले सोचो एंड फिर सोचना कि ये अमाउंट वो अमाउंट क्या किधर. दिस इज गोइंग टू बी हाईली हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो यूज द कोड, गो टू नीड यूज ऑल दीज ये ऑल दीज चैनल्स आर ऑल्सो अवेलेबल. लेकिन वापस आना नीट हुआ आज पे, ठीक है. नीट के प्रिपरेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल गेट द पीडीएफ अपडेटेड और मैं आपको दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. कोमल लाइफ कोड आपका है फॉर 10% ऑफ. आपको लगाना है, आपके किसी फ्रेंड को यूज करना है, किसी कोलीग को यूज करना है, किसी जूनियर को बताना है, घर में कोई भाई बहन है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, गो हैड स्टार्ट टूडे बिकॉज 11th हमें 11th में खत्म करना है और अच्छे से होगी, ठीक है. सो बॉटनी की प्रॉब्लम मेरी, यू रीच प्लस कोर्सेज यू विल बी टेकन केयर ऑफ, नो टेंशन. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच. एंजॉय. बाय बाय. Take care.